मध्य प्रदेश के रीवा में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ रीवा जिला प्रभारी प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में योग शिक्षकों की रोजगार को लेकर हो रही उपेक्षा पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे ने इनकी मांगों के समर्थन में रीवा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति में योग विषय को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के उप विषय और कौशल विषय के स्थान पर एक स्थायी विषय के रूप में स्थान देने की मांग की। आपको ये भी बता दें कि योग भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और विज्ञान का सबसे उत्तम विषय है, जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर भी है, जिसकी चर्चा वेद, रामायण, महाभारत और अन्य समस्त पवित्र ग्रंथों में है। योग अपने आप को जानने के साथ हमें अपने समस्त शक्तियों से वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराता है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद राष्ट्र में 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। इसी विषय क्रम को देखते हुए भारत के प्रत्येक विद्यालयों में भी योग शिक्षा पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान काल में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उसके प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दिया जाए। बालक का ठीक स्वर्गीय विकास होता है, वह आगे चलकर ऐसा सबल, निरोगी और प्रबुद्ध युवा बनेगा जो जीवन की सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होगा। ऐसे में लागू होने वाली प्रभावशाली नई शिक्षा प्रणाली में योग विषय को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के उप विषय और कौशल विषय के स्थान पर एक स्थायी विषय के रूप में स्थान देकर योग के सही ज्ञान को छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जा सके। अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ के माध्यम से यह अनुरोध है कि लागू होने वाली नई शिक्षा प्रणाली में योग शिक्षा को स्वतंत्र और स्थायी विषयों का रूप देकर योग के प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा ही उसका प्रशिक्षण देने का प्रारूप प्रणाली में जोड़ा जाए। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं ज्ञापन सौंप। मेरे साथ आए लोग योग गुरु हैं, जिन्होंने डिग्री की है, उसके बाद मास्टर्स किया है, 5-5 साल के ये योग संस्थानों से पढ़े हैं, इन्होंने पैसा लगाया है और ये वैश्विक स्तर पर स्किल्ड लोग हैं जिनकी उपयोगिता होनी चाहिए, जिन्होंने जो सीखा है वो समाज को दे। आज 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, मोदी सरकार जब आई उसने लंबे लंबे वादे किए, लेकिन आज इन योग गुरु गली गली भटक रहे हैं। इनको ना तो किसी प्रकार की कोई नौकरी मिल रही है, ना किसी संस्थान में इनको रखा जा रहा है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि कोरोना काल में कोविड सेंटर्स में योग कराया जाए, हर स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में योग गुरुओं की नियुक्ति की जाए, ताकि वहाँ के बच्चे भी योग सीख सके। और पूरी दुनिया में भारत का नाम रहा है कि योगा यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमारे पास स्किल्ड लोग हो के भी हम उनका ना तो प्रयोग कर रहे हैं, ना उपयोग कर रहे हैं, ना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये गली गली भटक रहे हैं, कितने दुख की बात है। कल शिवराज सिंह ने लंबे लंबे बात करी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कि हम योग करते थे, हम योग सिखाते थे। अरे आप क्या करते थे, क्या नहीं करते, ये अलग मसला है। और जो स्किल्ड लोग हैं, जो उन्होंने सीखा है और जो बारीक चीज़ों को समझते हैं, इनके योग्यता का इस्तेमाल होना चाहिए, इनकी योग्यता से सीखना चाहिए। हर स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, जो चाहे नर्सरी के हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो, उनको योग गुरु की जगह दी जाए, इनकी नियुक्तियाँ की जाए, ताकि ये सिखा सके, साथ ही अपना जीवन यापन भी कर सके। अब कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भारत में जहाँ जहाँ जिन जिन लोग योग कर रहे थे उनको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि योग नहीं कर रहे थे या जितने बीमार थे। तो आज योग की आवश्यकता ज़्यादा है। इन स्किल्ड योग गुरुओं के मैं साथ खड़ी हूँ, मैं इनकी साथ हूँ, कल भी थी, आज भी है और परसों भी रहूँगी, और जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती मैं पुनः प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह से डिमांड कर रही हूँ कि आपने वादा किया था कि हर स्कूल में योग गुरुओं की भर्ती की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी, आप अपने वादे पर अमल कीजिए, ताकि ये जो बच्चे लोग 5-5 साल पढ़े और पढ़ने के बाद भी गली गली भटक रहे हैं, उसकी मैं निंदा करती हूँ।
आज कलेक्टर साहब से मैं मांग करने आई हूँ कि जब तक सरकार करे उसके पहले आप रीवा कलेक्टर होने के नाते हर स्कूल में योग की कक्षा शुरू कराई जाए, ताकि हमारे बच्चे समृद्धशाली बने, मजबूत बने शरीर से, क्योंकि देश का भार हमारे बच्चों पर है। बताइए। मैं संजय तिवारी, संस्कृत प्रभारी योग शिक्षक महासंघ के। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नए शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा का उप विषय रखा गया है योग, तो उप विषय ना होकर एक अलग मुख्य विषय हो और योग शिक्षक की नियुक्ति की जाए और सभी स्कूलों में बच्चों को योग सिखाया जाए, महिलाओं को गाँव में सिखाया जाए, तो आंगनबाड़ियों में एक योग शिक्षक नियुक्त किया जाए। आजकल हम जानते हैं कि आधी महिलाएं बीमार हैं, घर का काम करती हैं, उनको बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो हम उन्हें बता पाएं कि आप ऐसा करो, इससे स्वस्थ रह सकते हो और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हो। बहुत सारी महिलाएं जो हैं टेंशन में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तनाव में रहती हैं, तो उनको ध्यान से ठीक किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र में और गांव में, पंचायत में, जहां जैसे भी हो, तो एक योग शिक्षक होना चाहिए जो योग के बारे में जानकारी दे पाए। धन्यवाद। आप लोग कुल कितने शिक्षक होंगे अभी रीवा में जो योग से रिलेटेड? रीवा में योग बहुत सारे लोगों ने किया, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री डिप्लोमा सभी हो रहा है, 200-250 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और कंटिन्यू चल भी रहा है। अभी हाल ही में पूर्व मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा था, उनके निवास में क्या आश्वासन मिला था वहाँ? उन्होंने कहा था कि हम सांसद में ये बात रखेंगे और नियुक्त किए जाएंगे टीचर और मुख्य विषय के रूप में हो, ऐसा वहाँ प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक, आपका नाम? संजय। ठीक।